हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज हम आए हुए हैं पटना के गंगा किनारे, जो पीछे ब्रिज भी देख सकते हैं आप। और हमारे साथ है हमारा एक भाई बिरू भारद्वाज और इसकी R15। तो आज हम R15 का रिव्यू देने वाले हैं। चलिए देखते हैं R15 क्या है, कितने सीसी का है, क्या पावर है और क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यामाहा ने दी है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे सामने अभी यामाहा की लेटेस्ट बाइक R15 V3 है और ये जो कलर है इसको रेसिंग ब्लू कलर यामाहा ने नाम दी है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है और काफ़ी खूबसूरत भी है। और जैसे कि बात करें इसके इंजन के बारे में, तो ये 155 सीसी की बाइक है जिसमें सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक विद 4 वाल्व है। और बात करें इसके इंजन की पावर की, तो इसमें आपको 19.3 bhp का पावर मिलता है विद 15 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है एट 1000 rpm। और साथ में ही 6 गियर की गाड़ी है ये विद स्लीपर क्लच। और जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि स्लीपर क्लच क्या है, तो इसके लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि स्लीपर क्लच होता क्या है, उसका फंक्शन। तो आप इस बाइक को देख सकते हैं और यामाहा ने R1 से काफ़ी हद तक इंस्पायर होके ये R15 V3 बाइक लॉन्च की है, जो कि आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक कुछ R1 जैसा है और इसका टेल लैम्प भी थोड़ा बहुत R1 जो सुपर बाइक है उनसे इंस्पायर होके बनाई है। और इसको देख सकते हैं इसका ब्रेक लैंप में भी LED लाइट है और इसके हेडलैम्प में भी पूरा LED लाइट है, जो कि काफ़ी। और बात कर लेते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की, तो ये 11 लीटर की इसमें टैंक कैपेसिटी दिया है। और अगर बात कर लेते हैं व्हील टाइप की, तो ये अलॉय व्हील है विद ट्यूबलेस। और ब्रेक की बात किया जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों में डिस्क ब्रेक है। फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है वो 282 mm है और रेयर का जो डिस्क ब्रेक है वो 220 mm है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर इसका बात कर लेते हैं स्पीड का, तो 0 to 60 4.3 सेकंड में और 0 to 100 जो है वो 10.1 सेकंड में। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव लुक दिया है, आप इस साइड से देख सकते हैं LED हेडलैम्प है, ब्रेक लैम्प भी LED है। मीटर में आप देख सकते हैं यहाँ गियर इंडिकेशन है, ये RPM इंडिकेशन है, यहाँ आपको किलोमीटर बताएगी ट्रिप है, ट्रिप 1, 2 टोटल किलोमीटर टाइमिंग। और अभी ये बाइक जो एवरेज दे रही है वो 2.7 लीटर में 100 किलोमीटर बाइक चलेगी। और इसमें आप यहाँ स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल मीटर है, यहाँ आपको हाई बीम जो पासिंग लाइट आता है वो आता है इंडिकेटर, न्यूट्रल का साइन इंडिकेटर है, साथ में यहाँ आपको पावर लाइट मिलेगा। तो इसके मीटर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसके मीटर में बहुत सारे फंक्शन एडवांस फीचर्स दिया गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं यामाहा ने यहाँ VVA लिखा है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। इसका मतलब जो होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे। और ये इंडिया की फर्स्ट 150 cc सेगमेंट की बाइक है जिसमें VVA दिया गया है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। इसे 2 कलर में लॉन्च की है और ये आपके सामने जो है ये रेसिंग ब्लू कलर है और एक कलर और है थंडर ग्रे, जो कि आपको नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको थंडर ग्रे R15 V3 भी आएगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरा जो भी नया वीडियो, जो भी नया अपडेट आते रहेगा।